आज का हम लोग का पाठ है क्लास टेंथ का हिंदी का गद्य साहित्य का नाखून क्यों पढ़ते हैं। पाठ चार है ये। सबसे पहले हम लोग पाठ का सारांश देखेंगे, थोड़ा लेखक के बारे में जानेंगे, फिर वस्तु निष्प्रश्न को जानेंगे, फिर उसके अन्य प्रश्नों को जानेंगे और लास्ट में हम लोग सीखेंगे का अभ्यास में प्रश्न दिया हुआ है उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सारांश को जानते हैं कि क्या है। देखिए सारांश कुछ यूँ स्टार्ट किए हैं। बच्चे भी कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछ देते हैं, पता है। बच्चा सब कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देगा जो आपको चक्कर में डाल देगा। मेरी छोटी बेटी, लेखक की बेटी ने जब एक दिन पूछ दिया कि माँ कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं सोच में पड़ गया। वह हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उसे डांटते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून इस प्रकार क्यों बढ़ा करते हैं। काट दीजिएगा, चुपचाप स्वीकार कर लेगा और फिर एक निर्लज अपराधी की बात ही फिर सिर पे हाजिर हो जाता है। कहने का मतलब कि ये एक बार की बात है कि लेखक ऐसे ही बैठे हुए थे, उसकी छोटी बेटी पूछ देती है कि पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। नाखून बढ़ने का क्या बात है, क्या कारण है कि नाखून बढ़ता है। देखने में ऐसे भी आपको लगा कि नॉर्मल बात है, नाखून बढ़ता है, कोई पूछने के सवाल है बहुत चक्कर में डालने वाला प्रश्न है, आपसे ही पूछ देंगे कि नाखून क्यों बढ़ता है, तो आपका जवाब देने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। लेखक को भी दिमाग लगाना पड़ रहा है। लेखक क्या बताते हैं, नाखून भी बड़ा अभागा है, हर 2-3 दिन पर ये बढ़ जाता है। काट दीजिएगा ब्लेड से, बड़ा अपने से चुपचाप रहेगा, देखने में लगेगा कि आपको कट गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ। और कुछ ही दिनों के बाद में देखिएगा, 2-3 दिनों के बाद में फिर वो बाहर निकल जाएगा निर्लज लोगों की तरह। जैसे निर्लज लोगों को 2 थप्पड़ लगा दीजिए, कहा कि ठीक है मार दीजिएगा, समझ जाएगा, फिर कल होकर फिर वही हाल करेगा, वो निर्लज बेहाया की तरह वो बाहर निकल जाता है, अपराधी की तरह एकदम छुप जाता है, बाद में फिर निकल जाता है। जैसे होता है ना, जब जिस अपराधी का खोज होता है वो अपराधी अंडरग्राउंड हो जाता है, छुप जाता है, हाँ, पुलिस से भाग जाता है। जैसे देखता है कि पुलिस चला गया, बस बाहर निकल के घूमने लगता है, नहीं, उसी तरह से ये जो है ना आपका नाखून है ना। कुछ लाख ही वर्ष की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। आज भले ही हमें नाखून की जरूरत कम पड़ती हो या नहीं पड़ती हो, परंतु आज से लाख वर्ष पहले की बात है, जब हम लोग जंगली थे, वन मानुष थे, यानी वन में रहने वाले लोग थे, हम लोग का घर नहीं था, यानी कि आदि मानव थे हम लोग, उस समय नाखूनों की आवश्यकता पड़ती थी और उनकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी था। मतलब कि अपनी रक्षा करने के लिए उसको नाखून की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे कि अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से उसकी आवश्यकता पड़ती थी। असल में वही उसके अस्त्र शस्त्र थे, दांत भी थे, परंतु नाखून के बाद ही उसका स्थान था, पहले नाखून तब दांत। उन दिनों इसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों से पछाड़ना पड़ता था नाखूनों के लिए, तो नाखून एक आवश्यक अंग माना जाता था। मतलब कि उसे झगड़ा करना है या अपने आप को बचाव करना है तो अस्त्र शस्त्र के रूप में कोई गोली बारूद, AK-47 या टिपटिपू आता नहीं था, चाकू उसके पास क्या था, तो वही दांत और एगो नाखून। बात करें अभी भी, आपको अगर हम बांध देंगे रस्सी से, तो आप चाहे कोई आदमी जाइए, आप जाते रहिएगा, आपको पकड़ के बांध देंगे आम के पेड़ में, चाहे डाली में कुछ बांध देंगे, रस्सी से बांध देंगे, तो आपके पास 2 औजार तो है, एगो दांत एगो नाखून, जिसे रस्सी खोलिएगा या जो आदमी बांधेगा उसको काटिएगा नोचिएगा, है ना। 2 अभी भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कीजिएगा, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके पास हमेशा AK-47 थोड़ी ना है, क्या चाहे आप उसके एबल थोड़ी ना है कि आप उसको लेकर चलिएगा, हाँ जाइए। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे, पहले थे हमारी आवश्यकता, अब धीरे धीरे हमारी आवश्यकता नहीं थी, उसको हम लोग हटा दिए। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था उस समय, फिर भी धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर वस्तुओं का सहारा लेने लगे। धीरे धीरे हम लोग पत्थर का औजार बना लिए, लकड़ी का औजार बना लिए, हड्डी का हथियार बना लिए, है ना। इस तरह से धीरे धीरे नाखूनों का जो है ना यूज घटता गया और आगे चलकर अभी क्या करते हैं, धातुओं का हथियार बना लिए हम लोग, है ना। आज नाखून नहीं, चाकू बना लिए बड़ा बड़ा, है ना, जो उससे बड़ा खतरनाक होता है। पतीले वाले बंदूक बना लिए, कारतूस बना लिए, बम, तोप, तरह तरह के बम, बारह से वायुयान बना लिए, है ना। किसी भी कीचड़ में
घसीट सकता है, ऐसा ऐसा चीज़ बना लिए है ना। नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। मतलब कि जो नख को धारण, नखधर किसे कहते हैं, नख धर, नख माने होता है नाखून, धर माने धारण करने वाला, जिसके पास नाखून है उसे कहते हैं नखधर मनुष्य। तो किसके पास नाखून नहीं है, सबके पास नाखून है नहीं है, अभी तो दो दिन के बाद आ जाएंगे आपके नाखून, नाखून तो है ये बढ़ जाएंगे है ना। तो हम लोग आज क्या है, आज हम लोग नाखूनों का सहारा नहीं लेते हैं, आज हम लोगों के पास AK-47 है, बड़का बड़का बंदूक है, तलवार है, तीर है, भला है, उससे भी खतरनाक एटम बम है, वायुयान है, मिसाइल है, तोप है, एक पर एक अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं, आज हम लोगों को नाखूनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। पर कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने भी नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। एक पुस्तक है, इसका नाम है, क्या नाम है उसका, कामसूत्र, क्या नाम है, कामसूत्र, जिसके लेखक है वात्स्यायन, क्या है, वात्स्यायन। तो वात्स्यायन ने के जब कामसूत्र को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि भारतवासी ने भी कुछ जब हजार साल पहले नाखूनों का उपयोग सुकुमार विनोद के लिए किया था, मतलब कि इंटरटेनमेंट के लिए किया था। मतलब प्राचीन काल में ये औजार के रूप में यूज होता था, और कुछ हजार साल पहले जब हम वात्स्यायन का कामा थी, क्या बोलते हैं उसको, काम सूत्र पढ़ते हैं किताब, तो उसमें पाते हैं कि उसमें लोग जो है ना नाखून का उपयोग इंटरटेनमेंट करने के लिए, अपने शरीर को सजाने के लिए उपयोग मिला दिया। तो वो सब जो है ना कुमार विनोद, मतलब कहने का मतलब क्या है कि नाखून बढ़ाना इंटरटेनमेंट के लिए कर लिया, सही है ना, कि नाखून बढ़ाना जो है ना उसमें माना गया, परंतु पहले क्या था, अस्त्र शस्त्र था, ठीक है। अब मनोरंजन के लिए बनाया गया तो इसको कई तरह से सजा लिया, नाखून को सीधे नहीं बनने देता है, क्या क्या बताते हैं, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, चांद जैसा त्रिकोण, त्रिकोण वाला ऐसे वाला है ना, तरह तरह का डिजाइन वाला काटता है। और उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आते थे, पता नहीं आते थे, समझ में नहीं आता है कि नाखून बढ़ा के करते क्या है, किस काम आते हैं इसका पता नहीं चला, परंतु लोग इंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को सजाने के लिए नाखून को बढ़ाया करते थे, तरह तरह के आकार में काटा करते थे नाखून को, ठीक है। ये कहाँ मिलता है हम लोग इसकी व्याख्या, वात्स्यायन, हाँ वात्स्यायन के काम सूत्र के किताब में। अभी नहीं पढ़िएगा काम सूत्र, क्योंकि आपके आप एडल्ट नहीं है, 18 वर्ष के बाद पढ़ा जाता है काम सूत्र, काम सूत्र किताब होता है, उसमें एडल्ट बुक मतलब कि जिसका 18 प्लस वाला बुक है वो, तो आप लोग नहीं पढ़िएगा। काम सूत्र एक किताब है, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, उसको पढ़ा जाता है 18 प्लस जब हो जाइएगा तो पढ़िएगा। अब देखिए उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया है कि इस तरह से इस्तेमाल किया था, जानते हैं उसको, ए नाखून को सुंदर बनाने के लिए उस पर मोम, अलता, ये सबसे उसको रगड़ मैंने पहले साफ सुथरा कह के रगड़ के चिकना बना के रंग रंग लिया था उसको, अलता से शाइनिंग तरह तरह का डेकोरेट कर लेता है नाखून, पता नहीं किसके लिए बनाया गया, पता नहीं। गौर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, दक्षिणास्त लोग छोटे नखों को, लेकिन समस्त अधोगामनी वृत्तियों को नीचे दिखा खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष में मनुष्यित बनाया गया। यह बात चाहूँ तो मैं भूल सकता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा, शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, जब आप मर जाइएगा ना तो आपका तभी दो चीज़ बढ़ेगा, वह है एक बढ़ेगा बाल, दाढ़ी और नाखून, मरने के बाद भी बढ़ता है, मरने के बाद भी नहीं छोटा रहेगा, मरने के बाद भी बढ़ेगा ही, बताया आपको ये बात कि नहीं, क्योंकि मृत कोशिका का बना होता है, मृत कोशिका को बढ़ने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ता, वो आपके खनिज लवण से ही, आप मरिएगा तो आपके शरीर में पानी तो रहेगा ना, खून तो रहेगा, मांस तो रहेगा, उसी से बढ़ेगा वो, समझ रहे हैं, तो बढ़ जाता है। ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। हमारे लिए पूंछ अनावश्यक है, जानवर के लिए पूंछ आवश्यक था, पता है क्या, पूंछ से मक्खी को भगाता था, हमारे लिए पूंछ अनावश्यक है, तो पूंछ हम लोग का झड़ गया। उसी प्रकार से हो सकता है कहीं आने वाले समय में धीरे धीरे अगर हम नखों का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो हमारे नाखून भी झड़ जाएंगे, शायद। इसमें लेखक
शायद शब्द लगा के बता रहे हैं, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। मतलब उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, कहने का मतलब यह है कि मनुष्य में नाखून का बढ़ना उसकी पाशविक प्रवृत्ति को दर्शाने हैं। मतलब मनुष्य जो सीधा साधा भोला भाला इंसान दिखता है, उसके अंदर भी जानवर वाला गुण है, वही गुण को दिखाने के लिए नाखून बार बार बढ़ता है और बताता है कि तुम इंसान देखने में लग रहे हो मगर तुम्हारे अंदर जानवर है, हैवान है, शैतान है। उसी को दिखाने के लिए नाखून बार बार बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि लेखक यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य भले आज जो है जेंटलमैन बन गया है, देखने में बड़ा सुंदर सुशील बन गया है, हैंडसम और ब्यूटीफुल बन गई है, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं जानवर वाला गुण है, वही दिखाने के लिए वो नाखून बढ़ता है। अब मनुष्य क्या करता है, उस नाखून को काट के कहता है, न हम अच्छा आदमी बन गया बाड़ी, अब नाखून न बढ़ा, परंतु दो दिन के बाद फिर निकल जाता है, बताता है कि आज लोग पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया है। पहले नाखून से, अच्छा आपको नाखून से मारने के लिए कहेंगे तो कई गो आदमी को जान मार दीजिएगा, बड़ा मुश्किल से एक दो के मारने में आपको हालत खराब हो जाएगा, बट अभी तो ऐसा ऐसा अस्त्र शस्त्र बना लिया जो एक बार टीपेगा तो कितना लाख आदमी को मार देगा, हाँ लाखों करोड़ आदमी को मारने वाला एक उनको बटन हो गया है। तो पहले से खतरनाक जानवर हो गया कि अच्छा जानवर हो गया, पहले आदमी जान बुझ के, अगर मान लिया पहले आदमी गुस्साएगा अभी तो क्या करेगा, हथौड़ी से कपाड़ फोड़ देगा, लाठी से कपाड़ फोड़ देता था, है ना। आज क्या करता है कि पहले से आदमी संस्कारी बन गया है कि कुसंस्कारी बन गया है, तो एक नजर से देखा जाए तो कुसंस्कारी बन गया है, परंतु हम लोग पेश जैसे आते हैं नहीं, जैसे कि पहले के आदमी से बलबल था, आज हम लोग बहुत सभ्य आदमी हो गए हैं, पेश आते हैं बड़े सभ्य आदमी की तरह, बट हमारे अंदर क्या है, उतना ही जानवर का भावना अभी भी छुपा हुआ है। ऐसा कोई दिन, देखिए ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद हो जाए, क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद हो जाए? आप जानते हैं कि मनुष्य के मर जाने के बाद भी नाखून बढ़ेगा, तो ऐसा दिन शायद ही नहीं आएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। कि जिस प्रकार से मनुष्य का पूंछ लुप्त हो गया है उसी प्रकार से नाखून भी लुप्त हो जाएगा, परंतु ये ऐसे लुप्त नहीं होगा, जैसे उसका उपयोग नहीं करने से लुप्त हो गया है उसी प्रकार से जब हम अपनी पशुता को छोड़ देंगे तब नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। क्या आपको बात सही लग रहा है? क्या आपके अंदर या हमारे अंदर या हम सबके अंदर जानवर वाला जो गुण है वो ख़त्म हो जाएगा तो नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा? नाखून बढ़ना मनुष्य का उस अंधसहजता का वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना वह स्वनिर्धारित आत्मबंधन में पुल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। लेखक का परिचय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 में, यहीं पे कहाँ पे, तो छपरा के, जो अभी उत्तर प्रदेश में है। हाँ सिंह खेसारी लाल का घर उधर गाड़ी पड़ता है, तो हम जा रहे थे इधर गाड़ी बनारस में जा रहे थे मूर्ति लाने, तो उधर पड़ा था। तो आर्थ ये गाँव का नाम है उसे ही, आरत दुबे छपरा, आरत दुबे का छपरा, माने छपरा जो है ना, छपरा रचना है, कौन कौन है सबसे ज्यादा पूछा गया है तो वह है, सुनो, अशोक का फूल, ठीक है, कल्पलता सबसे ज्यादा पूछा गया है इसमें, अशोक अर्थी अशोक के फूल, आलोक पर्व जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं, देखिए आलोक पर्व इसे ज्यादा पूछा गया दो चीज, हाँ एक भी, हाँ इधर है आपको यहाँ पे उपन्यास में है बाणभट्ट की आत्मकथा, हाँ माने है तो बहुत कुछ है, अशोक के फूल है, कल्पलता है, विचार वितर्क है, हम सबका नाम बताना नहीं चाह रहे, ठीक है, ये सबका है, आप डाल देंगे, आप लिख लीजिए, तो किताबों में है वो लिख लीजिएगा अपना, मेन मेन जो है आपको बता दी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अशोक के फूल, आलोक पर्व, इसमें हो गया बाणभट्ट का आत्मकथा, ये तीन चीज़ जो है बहुत बार पूछा गया है इस पाठ से, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इनको मिला था कौन, साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर पे, नहीं तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा गया,
बस इसमें इम्पोर्टेंट ये है, दो तीन गो है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया अशोक के फूल, बाघ भट्ट की आत्मकथा, एगो कथी खोलिए गारो आलोक पर्व, ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको किस पर, किस चीज़ के लिए, आलोक पर्व के लिए। बस ये चार चीज पाठ में से पूछे जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है। चलिए अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, ललित निबंध है, कैसा निबंध है, ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस निबंध के रचयिता है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, इसे कहाँ से याद कर लिया, तो दर्जी की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र। काम सूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन का। हर, चले हर डैश दिन नाखून, नाखून बढ़ जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन, हाँ तीसरे दिन लिखिएगा इसमें, ठीक है। सहज वृत्तियां स्मृतियों को कहते हैं अनजान, सहज वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं, नहीं। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति डैश के विरोधी है, किसकी, मनुष्यता के विरोधी है। जितना हम अस्त्र बढ़ा रहे हैं, जितना ज्यादा बम बारूद गोला बना रहे हैं, आखिर किसी का ना किसी का जाने नहीं जाएगा उससे। इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है, अनाधीनता, क्या होता है, अनाधीनता। स्व का बंधन का स्वभाव किससे है, मनुष्य से। चलिए अब है लघुतरीय प्रश्न, लघुतरीय मतलब कि दो नंबर वाला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है इसका, देखिए जंगली मनुष्य को नाखून की क्यों जरूरत थी, क्यों, इसका आंसर है जंगली मनुष्य को जीवन रक्षा के लिए नाखून की आवश्यकता थी। जंगली मनुष्य को जानवर करते हैं, उस समय तो आदमी को कुछ था नहीं, क्या करेगा, तो नाखून से ही काम करता था, नहीं, जितना अटैक करना है तो नाखून से करो, खाना है तो नाखून से करो, है कि नहीं। अगला प्रश्न है मनुष्य का नाखून बढ़ना किस वृत्ति का परिचायक है, तो पार्श्विक प्रवृत्ति का है ना, पार्श्विक कहिए या पशुता कहिए, ठीक है, दो चीज लिख सकते हैं, पार्श्विक या पशुता। अगला है हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत हथियार किसकी हड्डी का बना था, नहीं, देखिए एक ऋषि थे जिसका नाम था दधीची, क्या नाम था उसका, दधीची, उन्हीं के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। इंद्र देवता रखे थे ना वज्र हाथ में रखे रहते हैं, ऋषि मुनि का, एक ऋषि का था हड्डी था, वो जो किसी वरदान करके मांग लिए थे, वो समझ गए, वो हड्डी का बना हुआ था, सबसे मजबूत हड्डी, समझ गए। हिरोशिमा का हत्याकांड किसका जीवंत प्रतीक है, तो हिरोशिमा में जो बम थी, परमाणु बम गिराया गया था, वो किसका है, इंसान का तो करनी धरनी नहीं हो सकता है, ये किसका है, तो हिरोशिमा का जो हत्याकांड है मनुष्य की भयंकर पार्श्विक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है, कि मनुष्य में कितना जानवर वाला गुण है ये देखना है, तो हिरोशिमा नगर पे जाके देखिए कि जापान में क्या हाल हुआ था जब अमेरिका ने गिराया था वहाँ परमाणु बम, तो ये मनुष्य की जानवर वाला प्रवृत्ति ना हुआ। अगला है भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, तो भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि वह अपने आप में, अपने आप पर लगाया हुआ बंधन है, मतलब कि हम लोग अपने आप पर ही बंधन लगा लेते हैं और उसको मानते हैं। जैसे माता पिता को पांच छू के प्रणाम करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं मन में और पांच छू के प्रणाम करते हैं, तो हम लोग अपने प्रवृत्ति को मान लेते हैं और उसको प्रणाम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी ही सभ्यता में छुपी हुई है, और देशों में नहीं है ये सब, और देशों में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि माँ बाप को पाँच छू के प्रणाम कर रहा है, अपने भारत की सभ्यता में ही मिलता है देखने को। मतलब हम लोग अपना बंधन को मानते हैं, अब बनाते भी है और उसको पालन भी करते हैं, और यह बंधन कैसा है, तो एक पवित्र बंधन है कि नहीं। भले और मूढ़ लोगों में क्या अंतर है, देखिए भले और मूढ़ लोगों में यह अंतर है कि भले लोग जो होते हैं ना, अच्छे बुरे की जाँच कर हितकर को ग्रहण कर लेते हैं, अब बुरे लोगों में क्या होता है कि जो बिना समझे सूझे किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं
और बस थोड़ा मीठी मीठी बातें कर दीजिए, उसके साथ चल देते हैं, समझ गए। और जो अच्छे लोग होते हैं थोड़ा कड़वी बातों को ही सुन लेते हैं, मगर समझ जो सही होता है उसको मान के चलते हैं, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत में सामान्य धर्म किसे कहा गया है? तो महाभारत में सामान्य धर्म कहा गया है निर्वैर भाव को, मतलब कि जो व्यक्ति बिना किसी के भेदभाव के सबको अपना भाई मानता है वही धर्म सबसे अच्छा है, ठीक है। महाभारत में ऐसा कहा गया, पर तो महाभारत में कहीं देखने को मिला नहीं क्या? महाभारत में तो भाई भाई ही लड़ता है आपस में। अगला है, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? मनुष्य का स्वधर्म है अपने आप पर संयम और दूसरे के मनोभावों का समाधान करना, मतलब कि दूसरों के हितों की रक्षा करना, दूसरों के क्या कहते हैं उसको, मनोभावों को समझना, यही ना होता है? क्या बात है रंजन, तबीयत खराब है का? छुट्टी ले लीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित होता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित होता है, ठीक है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वर्मानुष की तरह जीता था, वह नाखूनों की सहायता से अपन जीवन रक्षा करता था। देखिए इसमें बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लास्ट वाला हम डालेंगे ना, लास्ट थोड़ा भगा के देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि मनुष्य के अंदर पशुता का जो गुण है ना, उसी को दिखाने के लिए प्रकृति क्या करती है, उसको नाखून को बढ़ा देती है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है?